अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हम लोग जा रहे थे टीपू सुल्तान की जो वाटर जेल थी वो देखने के लिए जा रहे थे। तो ये रास्ते की क्लिप थी, मैंने ले ली थी, तो वो भी मैंने ऐड किया है। और आप लोग जो है देखिएगा, बताइएगा फिर मुझे। और आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो है अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स में जो है आप लोग शेयर करिए, और कमेंट्स भी करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, मतलब वीडियोस अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इंशाल्लाह मैं आगे इसके जो है वो क्लिप ऐड करूँगी, आप लोग देखिएगा कैसा लग रहा है वो करके, पहले ज़माने की चीज़ें जो थी फील करिएगा। वो लोग मतलब पानी के अंदर जो है वो कैदियों को रखते थे, उनको सज़ा देते थे, मगरमच्छ वगैरह भी छोड़ देते थे, वहाँ पर कुछ गाइड थे, तो इस तरह की चीज़ें पता चलिए, मैं देखिए आप लोग आगे फिर। अस्सलाम वालेकुम, ये वो प्लेस है जहाँ पर टीपू सुल्तान जो है हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वो जो मुजरिम होते थे ना उनको सज़ा देते थे, जेल है जेल। तो मैं बनाती हूँ वीडियो यहाँ से, पता नहीं आगे अलाउ है कि नहीं अलाउ है। अच्छा, बाजू में ही शायद मेट्रो ट्रेन का कुछ है। बहुत बड़ी प्लेस है। ट्रेन जा रही है, ट्रेन की आवाज़ है। पानी आता था दो साइड से तो वो कैदियों को सज़ा देते थे और बोलते थे डूबने के पहले अपना जुर्म कबूल कर लो। ये देखिए सब उस ज़माने का ही है। ये देखो पानी आता था यहाँ पर ये साइड वो साइड से और वो सज़ा देते थे, पूछते थे कि डूबने से पहले कबूल लो, आदमी कबूल लेता था तो निकाल लेते थे। कहाँ पर बांधते थे? अच्छा, और गरम पानी भरते थे। हाँ, फिर पानी किधर से आता था? ये पूरा पानी से भरा था। ये पानी से भरा रहता है? इसमें भरता नहीं है, इसमें पानी छोड़ते हैं। अच्छा, ये जेल थी ना? देखो बेसमेंट के अंदर जेल है और पूरा ऐसे जगह जगह ये कैदियों को बांधने के लिए दिया हुआ है। ये देखो ऐसा, ये देखिए ये पत्थर ऐसे, देखो बहुत लंबी है ये जेल और पूरा ऐसे पत्थर लगे हुए लाइन से जो मुजरिम रहते थे, कैदी रहते थे, उनको बांधने के लिए। और यहाँ पर तोप है जिस पर हमजा सोया हुआ है, ये देखो इसको सड़ेले को, ये टूट गया है शायद जंग के दौरान हो गया। अच्छा, ब्लास्ट हुआ था, बम ब्लास्ट। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं मालूम इतनी हिस्ट्री। देखिए ऐसा है ये पूरा। चलो अंशरा बाहर, चलो बाहर। अच्छा, जब मैं पहली बार आई थी मैसूर तो मैं इन सब जगहों पर नहीं आई थी, वहाँ पर जो जामिया मस्जिद थी तो वहाँ का वीडियो पुलिस वालों ने अलाउ नहीं किया, ना फ़ोटो ना वीडियो कुछ भी नहीं, तो वो मैं नहीं ले सकी। पर मैंने बाहर से एक फ़ोटो क्लिक की है, मैं इंशाल्लाह उसको पोस्ट करूँगी, आप लोग देखिएगा। हो गया
वो ऊपर जगह क्या है? अच्छा देखो इतनी अच्छी अच्छी जगहों पर भी नाम कैसे लिख के छोड़े हैं, गंदगी मचाते हैं। देखो जरा हिस्टोरिकल, ये देखिए फिर देखिए ऊपर पूरा। अभी टाइम हो रहे हैं 11:30, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। एक तो तबीयत पहले से ही नरम थी, ऊपर से इन जगहों में ये देखो अंकल इनहेलर ले रहे। हाय हमजा अंशा नहीं अंसरा। अच्छा हम जा रहे हैं, कोई मार के चले नहीं थे। चलिए फिर नेक्स्ट प्लेस इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाते हैं।